एक और बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा इसके जो वर्डिंग है वो थोड़ा सुनने में थोड़े से डिफिकल्ट बनाती है क्वेश्चन को, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर, एक कॉपर का कोई स्ट्रिप है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा स्ट्रिप हम नॉर्मली गोल वायर देखने, बेलनाकार वायर देखने की आदत है हमें, तो ये स्ट्रिप जो है कॉपर का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका गिवन नहीं है, मतलब ओवरऑल क्या है कि स्ट्रिप है, दैट सपोज ये स्ट्रिप है कॉपर, ठीक है। इस कॉपर की स्ट्रिप का आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 ओम, ठीक है ना। आपको जो भी स्ट्रिप दी गई है, इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है इस कॉपर की स्ट्रिप का, पत्ती का, आपको कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है ना। अब क्या कह रहा है उसके बाद, अ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी ट्वाइस, तो अगर आप इसके 2 ओम को, यानी कि आप रेजिस्टेंस को आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रो इंटू एल बाई ए व्हाटएवर, है ना, ठीक है। तो अ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर इज कोटेड ऑन इट्स अपर सरफेस, ठीक है। ये एक हमारी पहले से ही एक पत्ती थी, इसके ऊपर हमने एक और पत्ती लगाई, ठीक है ना, टू द थिकनेस इक्वल टू दैट ऑफ कॉपर, जो कि इतनी ही मोटाई की थी, है ना। डायमेंशंस जो है बिल्कुल इसी की तरह है जो कोटेड किया है मैंने, अब नई मटेरियल, ये मटेरियल कॉपर नहीं है जो नया मैंने कोटेड मटेरियल है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी, यानी कि अब R2 की आप रेजिस्टिविटी देखोगे, जब आप इसको आप कनेक्ट करोगे, R2 की जो रेजिस्टिविटी यानी कि रो है वो ट्वाइस ऑफ इसके रो है ना, और इसकी भी लेंथ वही है, इसका एरिया भी वही है, तो R2 ये R1 है, R1 का ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है ना। और हमें R1 यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज गिवन हेयर 2 ओम, तो हमें पता लग रहा है कि यार जो हमारा ऊपर कोट किया गया है वही सेम पत्ती वो 4 ओम की हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी डबल है और बाकी जितनी भी डायमेंशंस हैं वो इक्वल हैं पहले ओम रेजिस्टेंस की तरह, तो यहाँ पे 4 ओम हो गया। अब आप देख सकते हो इसको इसके ऊपर जोड़ा गया है, तो आपको लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट व्हाट, बी, है ना। अब बताओ आप इन टोटल बॉडी का इक्वलेंट क्या बनता है ए बी पर, तो ये दोनों का पैरेलल, यानी कि 2 पैरेलल 4 के, यानी कि 2 × 8/6, ओ सॉरी 2 × 4/6 यानी कि 8/6 यानी कि 4/3 ओम, इट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिप, यानी कि अब जो मिला के मैंने नया स्ट्रिप बनाया उसका ओम होता है, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4/3 ओम। इट वाज अ इजी क्वेश्चन बट समटाइम यू नो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, बट सही है।